बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर। यहाँ पर एजेस दिए हैं पेशेंट्स के जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन है। वो आपके पास जो डाटा गिवन है ऊपर, उसका आपने मोड निकालना है और मीन निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं बच्चे। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या है हमारे पास। सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है एज इन ईयर्स, ठीक है बच्चे। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले मिड वैल्यूज़ ले लेंगे यहाँ पर। मिड वैल्यूज़ ये हो जाएंगे हमारे पास एक्स आई, ठीक है बच्चे। तो देखिए अब यहाँ से हम एज लिखते हैं। एज है हमारे पास यहाँ पर 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 to 55 और 55 to 65, ये हमारी एजेस है। अब देखिए बच्चे मिड वैल्यू निकालते हैं। तो 5 plus 15, मिड वैल्यू मैंने कैसे बताई है, 5 plus 15 upon 2। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 upon 2, ये आएगा हमारे पास 20 upon 2, कैंसिल आउट होकर के आ गया 10। तो यहाँ पर 10। अब देखिए 15 plus 25 upon 2, तो यहाँ इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 40 upon 2, कैंसिल आउट होकर ये आ गया आपके पास 20। फिर ये इसी तरीके से 10 का गैप है बच्चे, सारा गैप हमारा सेम है। तो आपके पास हर एक में 10 का गैप ही मिलेगा, 40, 50 और ये हो गया हमारा 60। अब बच्चे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास गिवन। फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 23, फिर है 14 और 5, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। समीशन ऑफ FI हमारे पास है यहाँ पर, सबको प्लस करेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए UI हम निकालते हैं। तो UI का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, UI इज इक्वल टू XI माइनस में A अपॉन में H। हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से, हम ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं मीन को। तो एज्यूम मीन हम ले लेते हैं यहाँ पर 30, ठीक है बच्चे। तो लिख लेते हैं लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू 30 और एच हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारा 10 है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 यहाँ पर पहले एक्स आई लिखा है, तो 10 माइनस में 30 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 20 upon 10, तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे माइनस में 10 upon 10 आएगा तो माइनस का 1, ये 0, फिर 1, 2, 3, ठीक है बच्चे। अब हम निकाल लेते हैं FIUI। तो FIUI देखिए, FI हमारे पास ये है, UI हमारे पास ये है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 to 12 माइनस में 11, 0 हो जाएगा, 23 1 जा 23, फिर है हमारे पास 14 2 जा 28, 5 3 जा 15। तो समीशन ऑफ FIUI हमारे पास हो जाएगा, इनको कर लेते हैं, 2 plus 1 3 और 1 plus 1 2, माइनस का 23 है, इनको प्लस कर लेते हैं, 8 plus 5 13, 16 का 6, कैरी 1, तो 4 5 6 प्लस का 6। तो अब इनको ये प्लस का है हमारे पास, ये माइनस का है बच्चे। तो प्लस माइनस माइनस करते हैं, 6 से 6 में से 23 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। तो हमारा समीशन ऑफ FIUI हमारे पास क्या है, 43, ठीक है बच्चे। अब देखिए पहले मैंने एज्यूम मीन के बारे में लिखा है, यहाँ पे हमें मीन और मोड दोनों निकालने हैं, तो मैं पहले मीन ही निकाल देती हूँ। तो हमने एज्यूम मीन ये मान लिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का, x इज इक्वल टू a प्लस में समीशन ऑफ FIUI। बच्चे आप जितनी बार ये क्वेश्चंस करोगे, हर बार फॉर्मूला लिखोगे, उससे क्या होगा कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। एज्यूम मीन हमने यहाँ कितना माना है, 30। तो अब देखिए ज़रा, प्लस में समीशन ऑफ FIUI हमारे पास कितना है, 43, और समीशन ऑफ FI है हमारे पास 80, मल्टीप्लाई में H हमारे पास 10,
ठीक है बच्चे, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गई है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 30 प्लस में 8 को हम इससे डिवाइड करेंगे, 85 जो 40 पॉइंट में 30 तो 5 पॉइंट में 6, 5 6 या 30, ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा हमारे पास लगभग, एक मिनट, 8 यहाँ पर 8 है 30 हुआ ना, तो 8 3 जा 24, फिर 6 बचा, 60 हो गया, तो अब हमारा एक किस पे जाएगा, 8 7 जा 56, 5.37 इनको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35.37। देखिए बच्चे प्लस कैसे करेंगे हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना ज़रूरी है, 30 के बाद कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा दो, यहाँ पर 5.37 दोनों को प्लस करते हैं, 7 + 0 तो 7, 0 + 3 तो वो भी 3 हो जाएगा, 0 + 5 तो वो 5 और 3 एज इट इज़ आपके पास, ये आ गया 35.37, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया है हमारा मीन। अब देखिए मोड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मोड के लिए देखिए यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है, देखिए फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन क्या दिख रही है आपको, 23। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे उसके सामने वाली क्लास जो होती है, क्लास साइज जो दिखाई देता है उसमें जो लोअर लिमिट होती है वो हमारा एल होता है, ठीक है बच्चे। तो एल हमें पता चल गया है। उसके बाद जो हमारी ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं F1, ठीक है बच्चे। ठीक इससे ऊपर वाली ये वाली हो जाएगी हमारी F0, और ये इससे नीचे वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी F2। इसको याद रखने का एक और तरीका बता दें, सिर्फ सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, उसके सामने वाला जो छोटा होता है ये लोअर लिमिट होती है आपके पास, और जो F1 से ऊपर 0 और नीचे 2, देखो F0 F1 F2 ये आपको कंटिन्यूटी में मिलेंगे, और F1 के सामने वाली लोअर लिमिट जो होती है वो आपकी क्लास साइज में लोअर लिमिट जो होती है वो आपका L होता है, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ पे बता देते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ यहाँ पर मिल गई है, द क्लास 35 to 45 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। अब देखिए ये हमारे पास क्लास जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो L क्या हो जाएगा हमारे पास 35, H कितना है वो हमारा 10 है, और F1 क्या हो जाएगा तो वो है हमारी 23, और F0 उससे ऊपर वाला 21, और F2 है हमारे पास 14। तो ये सारी चीज़ गिवन हो गई है। अब हमें फॉर्मूले में इसको फॉर्मूले में अटैम्प्ट करना है बस। तो फॉर्मूला है हमारे पास मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस में F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H, ठीक है बच्चे। तो देखिए लोअर लिमिट हमारे पास अब यहाँ पर क्या है, 35 प्लस में F1 है हमारे पास 23 माइनस में F0 है हमारे पास 21, नीचे कर लेते हैं 2, इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है ये, तो F1 हमारे पास 23 एज इट इज़ लिख लो, F0 हमारे पास 21 और F2 हमारे पास 14, ठीक है बच्चे। H हमारे पास 10 है, हमने पूरे उतार लिया है जो जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर हमने लिखी हैं निकाली हैं सब। तो अब देखिए बच्चे 35 प्लस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, 23 माइनस 21 तो 2 आ गया, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 23 2 जा 46 माइनस में, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, नंबर्स हम ऐड कर देते हैं साइन माइनस, तो 4 + 1 यहाँ पर 5, 2 + 1 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 10। तो अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से, तो 35 प्लस में 2, 46 माइनस 35 तो 11 मल्टीप्लाई में 10, 35 प्लस में 20 अपॉन में 11। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चे, तो 35 प्लस में 11 1 जा 11 कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 बच जाएगा, 1 पॉइंट में 90 हो जाएगा, तो 1.8 लगभग, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो अब ये आ जाएगा आपके पास 36.8, ये हमारा
मोड निकल गया है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। आपके पास ये डाटा गिवन है, 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो आपको इसके मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स निकालना है। तो इस टाइम पर जब भी इस तरीके से आपको दिया हो तो बच्चे हमें क्या निकालना होता है, तो वो हमें निकालना होता है यहाँ पर मोड। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर टू। तो हम पहले लिखेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स, दूसरा है हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए गैप कितने का है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120। ठीक है बच्चे, ये गैप है हमारे पास। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, तो 10, 35, 52, 61, 38 और ये है हमारे पास 29। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चे, देखिए 61 दिख रही है हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसके सामने वाला लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 60। ठीक है बच्चे, 61 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसके सामने वाली क्लास साइज में लोअर लिमिट हमारी 60 हो गई है। 61 से ऊपर वाला F0 और 61 से नीचे वाला F2। ठीक है बच्चे, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, द क्लास 60 to 80 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, ये हो गया है। अब देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया, तो L है हमारे पास यहाँ पर 60, H है हमारे पास यहाँ पर गैप कितने का है, तो 20, F1 हमारे पास 61, F0 हमारा 52 और F2 हमारे पास है 38। ठीक है बच्चे, अब देखिए बस हमें फॉर्मूला लिखना है और उसे फॉर्मूले में एज इट इज़ पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L हमारे पास है 60 प्लस में F1 है हमारे पास 61 माइनस में F0 है हमारे पास 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 61 माइनस में 52 माइनस में 38 मल्टीप्लाई में H है हमारे पास 20। हम बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 60 एज इट इज़ आ जाएगा, 61 माइनस 52 तो 9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 61 तो 122 और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास नंबर्स प्लस कर जाएंगे तो 90 हो जाएगा यहाँ पर और साइन हमारे पास माइनस का। ठीक है बच्चे, तो देखिए अब आगे कैसे करते हैं। सिक्सटी हमारा एज्यूम मीन है, अब था यहाँ पे हमारा 61 माइनस 52 तो ये 90 हो गया है, ट्वाइस ऑफ F1 वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 122 माइनस में 52 और 38 तो ये हो गया हमारे पास 90 और यहाँ पर H हमारा 20। ठीक है बच्चे, अब देखिए 60 प्लस में 9 अपॉन में 122 से 90 को माइनस करेंगे तो ये 32 मल्टीप्लाई में 20। तो 60 प्लस में अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 टू जा 18 यानी 180 अपॉन में 32 डिवाइड करते हैं तो 60 प्लस में 32 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 5 to 10 5 to 15 और 16 162 आएगा बच्चे, 5 पे गया 18 बच गया हमारे पास, 5 to 10 16
ट्वेंटी बच गया है, तो 200 हो गया है हमारे पास। अब ये 6 पे चला जाएगा, 6 टू जा 12 और 6 थ्री जा 18 और 19, तो 8 बच गया हमारे पास, तो ये 80 हो जाएगा। 80 पे किस पे जाएगा अभी ये, 32 टू जा 64, तो 2 पे चला गया है, तो 64 जब माइनस होगा तो 16 बच गया हमारे पास, तो ये 160 हो जाएगा। अब 160 हो जाएगा तो ये किस पे जाएगा, ये तो पूरा 5 पे जा रहा है, तो ये हमारे, अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा। देखिए मैंने कहा था पॉइंट के नीचे बच्चे पॉइंट, ध्यान से, क्योंकि हमारे पास 60 पॉइंट में, पॉइंट के बाद यहाँ पे तीन हमारे पास डिजिट्स हैं, हमने 3 जीरो लगा दिए है, तो 5 पॉइंट में 625, इनको प्लस कर लेते हैं हम, तो 5 एज इट इज़, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 6 6, 5 प्लस 0 5 और ये 6 एज इट इज़, तो हमारे पास 65 पॉइंट में 625, ये हमारा मोड का आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।